a moment of truth. Let's see how it is. What's up guys, welcome back to another mukbang. So, आज का मकबैंग होने वाला भाई लोए बर्गर पे. मैं लास्ट टाइम भी ये करने वाला था बट उस दिन मुझे आउटलेट नहीं मिला था. आज मैंने अपने फ्लैट में ऑर्डर कर दिया था, ऑर्डर आ गया था. 10 मिनट में मैं इस लोकेशन पे पहुंच गया था. कैमरा घूमना सब सेटअप करा, ऑन करके देखा तो इसमें कार्ड नहीं था. फिर मैं वापस फ्लैट में गया, वापस 15 मिनट का ड्राइव, अपना कार्ड लेके आया, वापस 15 मिनट का ड्राइव. तो नाउ आई बिलीव सब कुछ ठंडा हो चुका होगा बट स्टिल आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस, क्योंकि ऐसे बर्गर्स मैंने पहले कभी नहीं खाए. मतलब जैसे पिक्चर्स में दिख रहे थे और मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में भी थे. तो फटाफट से करते हैं इनको अनबॉक्स. तो भाई फाइनली दिस इज इट. भाई सेंटर में है मेरे पास लोए ग्रैंड रॉयल बर्गर, लोए सॉस, डबल लैम पैटी, ग्रिल्ड चिकन, शिमजी मशरूम, ट्रफल, इंग्लिश चेडर एंड गोल्ड वराक. बर्गर की कॉस्ट है 888. सबसे महंगा बर्गर जो मैं ट्राई करने वाला हूँ अभी तक. लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे पास द लोए फ्राइड चिकन बर्गर, फर्मेंटेड हॉट सॉस, फ्राइड चिकन, ग्रीन लेटस, पिकल्ड क्यूकम्बर, बेस्ट एंजॉयड विद स्पाइसी मेयो. और इसमें मैंने एड ऑन करवाया था एक फ्राइड एग भी. पीछे की साइड है मेरे पास लोए पैटी मिल्ट लैम्प, चॉइस ऑफ बेकन. इसमें मैंने चिकन बेकन करा है, स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा चिकन बेकन. इसकी कॉस्ट है 444. सैंडविच है ये. इस साइड है मेरे पास, ये मैंने 0 डिग्री से ऑर्डर कर रखा है. और ये है उनका बटर चिकन गार्लिक ब्रेड जिसको उन्होंने अच्छे से ड्रेस कर रखा है नाचोस के साथ. और पीछे की साइड है मेरे पास ट्रफल फ्राइज. और 0 डिग्री से ही मैंने मंगा रखी है अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी. कुछ दिनों पहले मैंने ट्राई करी थी ये भी कोल्ड कॉफ़ी भी, और भाई स्वाद ही आ गया था, बढ़िया एकदम बेहतरीन. नाउ विदाउट एनी फर्दर ऑर्डर फटाफट से करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, क्योंकि मुझे भाई लग रही है बहुत ही ज़्यादा भूख. बारिश हो रही थी रास्ते पर तो मुझे टाइम नहीं मिला अपनी परंपरा अगले कोक उठाने का. तो इसी से आज करते हैं वीडियो स्टार्ट. आके हम अपनी मशीन चालू ना कर दे बस, सॉस के साथ नाचोस टिप करके. Thank you so much God for this food and for everything else. अभी मेरे दिमाग में कुछ और बात चल रही है. लोग बोलते रहते थे मेरे को कि अगर आपका कोई कैमरामैन होगा जो आपके साथ रहता होगा उसको कितनी भूख लगती होगी. अब मुझे लिटरली इमेजिन हो रहा है कि अगर सही में कोई मेरे साथ होता भाई उसके लिए मतलब तुम्हारे सामने कोई खा रहा है इतना सब कुछ बढ़िया बढ़िया और तुम बस देख रहे हो. इसने मशीन चालू कर दिया ट्रफल फ्राइज. मैं रुकने का वेट नहीं करा. नाम नहीं पता बट लैम्ब सैंडविच है और अंदर ये चिकन बेकन है. स्क्रीनशॉट में दोबारा दिखा दूंगा क्योंकि काफ़ी लोगों को होता है कि यार बेकन खा रहे हैं बट ये चिकन बेकन है. उन्होंने नाम दे रखा है अच्छी आउट इज. देखा ना हमने मेरे स्टार्ट कर दिया है. किसमें दिया जी? बम हुआ. भाई बटर चिकन गार्लिक ब्रेड देखते हैं. ट्रस्ट में मैंने जब फर्स्ट टाइम खाई थी ना इतना मज़ा नहीं आया था जितना अभी आ रहा है. भाई प्रॉपर बटर चिकन का टेस्ट आ रहा है, प्रॉपर बटर चिकन का. मशीन चल रहे हैं यहाँ से, मज़ा ही आ जाएगा. मौसम भी बढ़िया हो रहा है.
भाई 0 degrees मज़ा आ गया। गार्लिक ब्रेड खा के ही मज़ा आ गया, बहुत ही बेस्ट। ट्रफल फ्राइज का मुझे कुछ तुक अभी तक समझ नहीं आया, हो सकता है गरम गरम कुछ टेस्ट आता हो। ये ना ऐसा वाइट वाइट ट्रफल ही होता होगा ये जो ट्रफल फ्राइज है, थोड़ा सा एक स्वीट टिंट दे रहे हैं इनको। इसे ट्राई करते हैं ज़रा, बन देख रहे हो। और ये जो ये ऐसे बॉक्सेस आते हैं ना, ये लिटरली फॉरेन वाली फील देते हैं। इसमें ऊपर से लिखा हुआ है एक्स्ट्रा में फ्राइड एग, अंदर से भी आपको एक बड़ी दिखाने की कोशिश करता हूँ। भाई पिकल्ड क्यूकम्बर, अपना फ्राइड चिकन KFC टाइप। लेट्स जस्ट सी हाउ इट इज। देखो थोड़ा सा लोए बर्गर के सारे आइटम्स थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में, बट ऐसे हैं कि आपका देख के मन खुश हो जाएगा, देख के ही। और ऐसा ही होना चाहिए खाना। बट ऑनेस्टली टेस्ट डिफरेंट है, बट मेरे टेस्ट बड्स के लिए थोड़ा सा मतलब ऐसा ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं हो रहा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो रहा है। बट ये बर्गर 390 का है, आई बिलीव 390 का बर्गर है। उसके हिसाब से यार आइटम्स भी डाले हैं अच्छे से, फिलिंग भी है, हर चीज़ बहुत बेहतरीन तरह से करेगी। हाँ फ्राइड एग भी है, फ्राइड एग भी है, बढ़िया। पर्टिकुलर इस बर्गर को एक चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती थी मेरे हिसाब से, वो है चीज़। चीज़ ड्रिप हो रहा होता ना इससे भी, ओहो हो, स्वाद अलग आता और देखने में भी मज़ा अलग आता। एक और बात एकदम से दिमाग में आई, तो कुछ दिनों से व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, रेगुलरली नहीं आ रहे हैं। उसका रीज़न एक ही है कि वाईफाई नहीं चल रहा है। अब वाईफाई ना हो तो अपलोड में दिक्कत आती है। अपना लास्ट व्लॉग मैंने एक कैफ़े में जाकर अपलोड किया था, और कैफ़े का वाईफाई ऐसा रहता है अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, तो अपलोड फिर और टाइम लगाता है, उसको फिर रिज्यूम करना पड़ता है, फिर फाइल सेलेक्ट करनी पड़ती है। ऊपर से जहाँ फ्लैट है वहाँ सेलुलर नहीं आता है अपना, ना जियो का नेटवर्क नहीं आता है, तो अपने सेलुलर से भी नहीं कर सकता। और अभी एसी ऑन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है।
अभी तक मुझे फ्राइज ऐसे लगे कि थोड़ा वेस्टेज ऑफ मनी हो गया थोड़ा सा। मज़ा आ गया। दो दिन से यहाँ बारिश हो रही है, अदरवाइज प्लान था दिल्ली जाने का, हैव मोर का बटर चिकन ट्राई करने का। ऐसा नहीं है कि बारिश की वजह से नहीं जा पा रहा हूँ, बट बात कुछ ऐसी है कि बारिश की वजह से आलस थोड़ा सा बढ़ जाता है मेरे अंदर। सो पोस्टपोन हो रहा है मोर का बटर चिकन, बट सून विल डू इट। मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ओ भाई, ओ गिरना मत, कुछ भी तुम ही हो आज की मेन आइटम। लुक एट दिस, बस खूबसूरती देखो इसकी, गोल्ड वरैक के साथ। नाइस, सिल्वर वाला भी था बट मैंने ऑप्ट किया गोल्ड वाला। अंदर से देखो, ओहो, मशरूम्स, लैम्ब पैटी, चीज सॉस, ओहो, लेटस, और ऊपर से ये गोल्ड वरैक। ये देखो ये बॉक्स, लोई बर्गर की ब्रांडिंग के साथ, वेरी नाइसली डन। बट एनीवे, मोमेंट ऑफ ट्रुथ, लेट्स सी हाउ इट इज। मैंने पहली बार ऐसा बर्गर खाया जिसका टेस्ट चेंज हो रहा है। मतलब जब आप खाओगे तो अलग टेस्ट आएगा, जब आप पूरा खा लोगे तो अलग टेस्ट आएगा। बहुत बेवकूफ़ वाली बात बोल रहा हूँ लेकिन ऐसा हो रहा है। जब एग्जैक्ट, मतलब जब आप बाइट लोगे एक अलग ही टेस्ट आएगा, टेंडर सा, थोड़ा जूसी। आपको पता नहीं आवाज़ आ रही हो नहीं आ रही हो, बट मैं जब भी बाइट ले रहा हूँ ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कुछ फूटता है ना, इतना जूसी अंदर से कि थोड़ा सा च्यू करने के बाद एक अलग ही डिफरेंट आपको टेस्ट आने वाला है। बहुत ही बेहतरीन। बाकी मेरे को पता नहीं है गोल्ड वरैक का कुछ टेस्ट होता भी है नहीं होता, आज तक नहीं खाया, पहली बार खा रहा हूँ तो नहीं पता इसका कुछ टेस्ट आता भी है या नहीं आता। बट अच्छा है, इसकी मेरे को पिक्स लेनी चाहिए थी बट नहीं, दिमाग में ही नहीं आया। सबसे महंगा था ये बर्गर आज के मेन्यू में, बट सबसे बेहतरीन भी यही हुआ। थोड़ा सा दुख मेरे को इसका भी हो रहा है, ये कुछ इतना खास नहीं हुआ, क्या होता गर्म होके होता, बट वैसे तो नहीं हुआ। बाय द वे, मैं आज वापस देहरादून निकल रहा हूँ, देहरादून में अब कुछ काम आ गया। एक तो जिम भी मिस हो रहा है, मैं बताना भूल गया, जिम वाले से मैं बात करके आया था यार, मैं एक हफ्ता यहाँ रहता हूँ एक हफ्ता कहीं और रहता हूँ, तो कुछ बताओ इसका जुगाड़। तो बोलते कि मैं आपके ना डेज काउंट कर लूँगी, जैसे 28 डेज होंगे, 28 डेज होते ही आई लेट यू नो, तब आप पे कर देना। कूल, तो फीस का मेरे को डर नहीं है, बट हाँ वर्कआउट कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है। आज अपन निकल जाएंगे, और आज का मकबैंग करके मुझे वार्तन की बहुत ज़्यादा याद आ गई। क्योंकि वर्तन के भी ज़्यादातर कार मकबैंग्स में बर्गर्स ही होते हैं।
जज मत करना, बट ये बर्गर ना पता है एग्जैक्टली वैसे हो रहे हैं जैसे बन मस्के में आते हैं। बढ़िया से बटर में तंदूर के देता हूँ, टेस्ट भी वैसे आ रहा है। बेस्ट हमेशा लास्ट के लिए बचता है। ऑल दो आज का मेन्यू पूरा का पूरा लोहे बर्गर से था, बट स्टिल बेस्ट मुझे आज की वीडियो में अपना 0 degrees का ये गार्लिक ब्रेड लगा, बटर चिकन गार्लिक ब्रेड। दोस्त को ये पसंद आएगा उसके लिए बचा देते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं उसके। मैनी नोज मकबैंग करने आ रहा हूँ, ये उसके लिए बचा देता। ऐसा मेरे साथ बार बार नहीं होता है, बट पता नहीं क्यों दिमाग में बहुत सी बातें थी, बट जब कभी भी अच्छा खाना होता है मेरे सामने दिमाग से सारी की सारी बातें गायब हो जाती हैं और फोकस मेरा फिर सिर्फ और सिर्फ खाने पे रहता है। बट एनीवे यार आज की वीडियो में मज़ा आ गया, सब कुछ बढ़िया था ओवरऑल, बट बेस्ट मुझे 0 degrees का ये बटर चिकन गार्लिक ब्रेड ही लगा। बाकी आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस।